अच्छा बेटे, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स सेकेंड ईयर के बेस पर डिपेंडेड है। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के हैं तीन तरीके, सॉरी दो तरीके। पहला तरीका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, पहला तरीका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम। ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए भाई, एक एटम में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे के सारे एक साथ नहीं होते कभी भी। जैसे भाई, सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 के 11 एक साथ नहीं है, बल्कि कुछ पहले शेल में है, कुछ दूसरे में है, कुछ तीसरे में, शेल के अंदर भी कुछ एस में है, कुछ पी में है, कुछ डी में है। तो बेटे याद रखिएगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कि पहले शेल में इतने हैं, दूसरे में इतने हैं, तीसरे में इतने हैं, पहले एस में इतने, पी में इतने, डी में इतने, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा बेटा, दूसरा तरीका डिफाइन करने का, बहुत इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन्स। सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होते हैं, तो रेंडमली फिल नहीं होते, बल्कि एक खास सीक्वेंस में ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। ठीक है बेटा, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली फिल नहीं होते, बल्कि एक खास सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। और बेटा, ऑर्बिटल्स का वो सीक्वेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स उन्हें फिल करते हैं, ठीक है बेटा, जिस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, ऑर्बिटल्स का वो सीक्वेंस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए भाई, वो सीक्वेंस जो है वो रैंडम नहीं है, बल्कि वो आता है कुछ रूल्स से, जिन्हें कहते हैं रूल्स फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, वो सीक्वेंस क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं? वो सीक्वेंस जो है वो तीन रूल्स, चार रूल से सॉरी एक्सप्रेस होता है। पहला रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और बेटा ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। एक एटम के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, एक एटम के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर आप सेम एटम के कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करें, तो आपको पता ही चलेगा कि सेम एटम के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है भाई, अगर एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे कोई पहले शेल का हो, कोई पांचवे शेल का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एटम के हैं, तो बेटा याद रखिएगा उनके चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे। एक भी सेम हो सकता है, दो सेम हो सकते हैं, तीन सेम हो सकते हैं, बट चारों कभी नहीं सेम होंगे।
अच्छा भाई, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम हीलियम एटम की एग्जाम्पल ले रहे हैं यहां पे, ठीक है भाई, हम हीलियम एटम की एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा भाई, ये हीलियम एटम का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, बीच में न्यूक्लियस, ठीक है भाई। हीलियम एटम के पहले इलेक्ट्रॉन को, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स का सेट बना रहे हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन ए, आप देखें भाई, इलेक्ट्रॉन ए पहले शेल में है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू क्या होगी? वन। पहले शेल में सिर्फ एस सब शेल होता है, और एस सब शेल के लिए एजीम्यूथल की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जब एल जीरो, तो एम की भी ए की वैल्यू होती है, दैट इज जीरो। और बेटा एस स्पिन क्वांटम नंबर, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ए को पहला इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बेटा इसकी क्लॉकवाइज स्पिन होगी, जब भी स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? माइनस हाफ। तो ये इलेक्ट्रॉन ए के चारों क्वांटम नंबर्स का सेट आ गया। अच्छा भाई, अब हम इलेक्ट्रॉन बी के चारों क्वांटम नंबर्स का सेट देखते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन बी भी पहले शेल में है ना, तो इलेक्ट्रॉन बी के, इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू क्या होगी? वन। अब अगेन बेटा, पहले शेल में सिर्फ एस सब शेल होता है, जिसके लिए एजीम्यूथल स्मॉल एल की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जब एल जीरो, तो एम की भी ए की वैल्यू आती है, दैट इज जीरो। लेकिन बेटा ये ऑब्वियसली, अगर ए पहला था तो ये दूसरा होगा, ये दूसरा होगा तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस हाफ से। तो मैंने क्या बोला था बेटा, कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एटम के हैं, तो चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। एक भी सेम हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, यहां तक के तीन भी हो सकते हैं, बट चारों कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब देखिए बेटा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का से जो मेन चीज हमें पता चलती है, वो ये है कि एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में, यानी कि एस हो गया, पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, या डी के डीएक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी एक्स जेड, या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या डी जेड स्क्वायर। बेटा एक डी जेनरेट ऑर्बिटल जो होता है, उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आ सकते। ये हमें पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता चला। और कैसे पता चला, जरा ये समझना। देखो भाई, वैसे तो हीलियम के एटम में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों पहले शेल के में है, के में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, और एस में मैक्सिमम दो ही आ सकते हैं, तो ऐसा रियल में तो नहीं होता। लेकिन मैंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकली एक और इलेक्ट्रॉन सी इसमें ऐड कर दिया, आपको ये समझाने के लिए कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये बात कैसे पता चल रही है कि डी जेनरेट ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और आगे इसकी वायलेशन समझने में। देखिए भाई, अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन सी भी इसमें डाल दूं, अलग होता नहीं है, फिर से कह रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली डाल दूं, तो भाई सी भी पहले शेल में है, तो इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? वन।
पहले शेल में सिर्फ एस सब शेल होता है, तो वही बेटा एजिम्यूथल स्मॉल एल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जब एल जीरो तो एम की भी ए की वैल्यू आएगी जीरो। अब आएगा मसला बेटे, ऑब्वियसली दो ही डायरेक्शन है ना स्पिन किया, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अगर इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है तो स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। अगर माइनस हाफ हो गया तो ए और सी के चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, जो कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर प्लस हाफ लगा दें तो फिर बी और सी के चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, जो कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर आप कभी भी एक ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, जैसे डी जेनरेट ऑर्बिटल में दो आते हैं, आपने तीन कर दिए, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा फिर दो से ज्यादा किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे, सेम। देखिए भाई, वायलेशन का सवाल इंटर में भी आता था, एप्टीट्यूड में भी आता है, बहुत अहम है। आपको ये समझना है कि वायलेशन कैसे मालूम करते हैं, और उससे भी पहले कि वायलेशन होती क्या है। देखो भाई, आपको क्वेश्चन में रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन होती है। ठीक है भाई, क्या गिवन होती है? रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आपको ये देखना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या गलती है, और उस गलती से कौन सा रूल वायलेट होगा। तो भाई, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन कैसे होती है बेटे? अगर कभी भी किसी ऑर्बिटल में या सब शेल में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे हुए नजर आ रहे हैं, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। जैसे बेटा 1s3 अगर गिवन है, तो एस में जो दो आ सकते हैं ना मैक्सिमम, कैपेसिटी से ज्यादा भरे हुए, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वायलेट। ऐसी बेटा 1s2, 2s3, अगेन बेटा जो जितने भी एस हो, एक एस में मैक्सिमम दो ही आ सकते हैं, तो यहां 1s2 के बाद 2s3 है, अगेन कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो बेटा ये क्या, यहां पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, पाउलीज। यहां देखो बेटा 1s2, 2s2, 2p6 की जगह क्या हो गया, 7। ठीक है भाई, अब पी में हम जानते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। लेकिन अगर 7 आए, इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा भरा हुआ है, और कभी भी अगर किसी ऑर्बिटल या सब शेल में कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो याद रखिएगा बेटा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही वायलेट होगा हमेशा। अच्छा भाई, तो वायलेशन आपको बता रहा था अफबाव और एन प्लस एल रूल की। तो देखिए, अगर कोई मिसिंग ऑर्बिटल होगा सीक्वेंस में, ठीक है, जैसे कि 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2, तो 2p यहां पर मिसिंग है, तो याद रखिएगा अफबाव प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। और अगर ऑर्बिटल्स तो पूरे हैं, जैसे कि 1s2, 2s से लेकर 4s2 तक पूरे 6 ऑर्बिटल हैं, लेकिन आगे पीछे हुए हैं, जो पहले होना चाहिए था उसे बाद में रखा हुआ है, जो बाद में होना चाहिए था उसे पहले, तो अगर ऑर्बिटल्स पूरे हों लेकिन सीक्वेंस आगे पीछे हो, तो फिर कौन सा रूल वायलेट हो जाता है बेटा, एन प्लस एल रूल। तो सेकेंड वाले में देखो बेटा, 1s2 से 4s2 तक कोई ऑर्बिटल मिसिंग नहीं है, ठीक है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुआ है। ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मीटिंग एंड कर देंगे।